Hello friends, today we will study about social psychology sociometric method 2. In the last video we had discussed meaning of sociometry, origin of sociometry, characteristics of sociometry and requirements of sociometric methods. ये मैं आपके पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ. इसको देखने के लिए आपके पास नीचे देखिए दो लिंक दिए गए हैं, एक प्रेजेंटेशन tube.com का है और दूसरा youtube.com का है. आप जो पिछली वीडियो मैंने डिस्कस की थी सोशियोमेट्री मेथड 1, यू कैन वॉच इट हियर एंड पोस्ट योर कमेंट्स. सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द सोशियोमेट्रिक मेथड पार्ट 2, दैट इज विच कवर्स सोशियोमेट्रिक क्राइटेरिया, सोशियोग्राम and uses of sociometric method. So now let us start with sociometric criterion. One of the important aspects of sociometry is choice. Choice is the base of sociometry, and interestingly choices are based on some criteria. The criteria on which choices are based is called sociometric criterion, which can be a statement or a question. It describes which, that is sociometric criterion describes the dimensions and degree of interpersonal relations under investigations. Now we'll discuss this sociometric criteria in Hindi. Samajmiti mandand, sociometric criterion ko samajmiti mandand kaha jata hai. हम जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हमें हर कदम पर विकल्प चुनने की आवश्यकता पड़ती है, चॉइसेस की आवश्यकता पड़ती है और हम चॉइस करते भी हैं. तो अगर हम समाजमिति की बात करते हैं तो विकल्प समाजमिति का आधार होते हैं, यानी सोशियोमेट्री जो है इट इज बेस्ड ऑन चॉइसेस. और विकल्प कुछ मानदंडों पर आधारित होते हैं, यानी कि हम कोई भी जब चॉइस करते हैं तो वो ऐसे ही चॉइस नहीं करते, वो किसी न किसी क्राइटेरिया को लेकर, किसी न किसी मानदंड को लेकर कोई ना कोई हमारी चॉइस उस पर आधारित होती है. फॉर एग्जांपल हम मान सकते हैं कि आज अगर हमें कोई फूड अच्छा लगता है तो उस फूड का जो चॉइस का जो मानदंड है वो उसका टेस्ट है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेस्ट वी सेलेक्ट दैट फूड, यानी कि यही है एक मानदंड. और इसी के पहलू में हम देखते हैं तो एक समाजमिति में, सोशियोमेट्री में भी एक मानदंड होता है, कोई ना कोई एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जिसके आधार पर हम अपनी चॉइसेस बनाते हैं या चॉइस करते हैं या विकल्प चुनते हैं. तो वो जो मानदंड होता है जिसके आधार पर हमारे विकल्प हम चुनते हैं या चॉइस बनाते हैं, उन्हें समाजमिति मानदंड कहा जाता है. वो क्या हो सकता है, कोई प्रश्न हो सकता है या कोई कथन हो सकता है. और ये कथन करता क्या है, ये जो प्रश्न है ये क्या करता है, ये समाजमिति मानदंड का लक्ष्य क्या है, ये हमारे एक समूह में जो पारस्परिक संबंध होते हैं उसके आयामों को, उसकी डायमेंशन को और उसकी डिग्री का वर्णन करता है. मतलब कितनी गहराई से हमारे वो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, यानी पारस्परिक संबंध है, ये डिग्री की बात होती है और उनका जिनका हमें अध्ययन किया जाना होता है. ठीक, तो ये था हमारा समाजमिति मानदंड. अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं. द क्राइटेरिया, जो सोशियोमेट्रिक क्राइटेरिया होता है वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है. मैं बार बार आपको ये बताता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव का मतलब आप समझ सकते हैं ये धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है. अब पॉजिटिव सोशियोमेट्रिक क्राइटेरिया क्या हो सकता है, आप इसको सीधी सी भाषा में आप समझें तो क्राइटेरिया दैट टेंड्स टू रिवील पॉजिटिव आउटकम्स, यानी कि सच है. अगर आपसे कोई प्रश्न देते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं कि वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन, जो ये बात है जो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये कहते हैं कि वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन, ये एक सोशियोमेट्रिक क्राइटेरिया है, समाजमिति मानदंड है. और इसमें जो देखिए मैंने रेड किया हुआ है यहाँ पर पार्टिसिपेट, यानी कि आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं. ये पॉजिटिव है, कोई ना कोई धनात्मक पार्ट है ये कि हम हिस्सा लेना चाहते हैं. जैसे कि क्या आप किसी के साथ, किसके साथ आप इंजॉय करना चाहते हैं, इंजॉय जो है ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है. तो ऐसे ऐसे जो प्रश्न होते हैं, कथन होते हैं, उनको हम पॉजिटिव सोशियोमेट्रिक क्राइटेरियन कहते हैं.
वो उसके अंदर वो क्या करता है जो पॉजिटिव होता है, इट डिस्कवर्स एक्सेप्टेंस, यानी कि हम कितना उसको एक्सेप्ट करते हैं किसी भी रिलेशन को, वो उसको डिस्कवर करता है, इसलिए उसे हम सोशियोमेट्रिक क्राइटेरिया पॉजिटिव की कैटेगरी में रखते हैं। अब आज इसी के दूसरा देखेंगे हम सोशियोमेट्रिक क्राइटेरिया जिसे हम नेगेटिव कह सकते हैं, द क्राइटेरिया दैट टेंड टू रिवील्स नेगेटिव आउटकम्स, यानी कि उस ऐसा क्राइटेरिया हम रख दें, ऐसा कथन रख दें जिससे कि नेगेटिव आंसर्स आते हों, रिजल्ट्स आते हों या आउटकम्स आते हों, उसे हम नेगेटिव सोशियोमेट्रिक क्राइटेरियन कहते हैं। जैसे एक अगर हम कथन देते हैं, कोई सोशियोमेट्रिक क्राइटेरियन देते हैं, नेम द स्टूडेंट हु वुड यू लाइक नॉट टू सिट विद हिम या और हर, या ऐसा विद्यार्थी का नाम बताइए जिसके साथ आप बैठना नहीं चाहते, यहाँ पर नोट टू सिट आता है, यानी कि ये हो गया आपका नेगेटिव सोशियोमेट्रिक क्राइटेरिया। और आपको बता दूं कि जो नेगेटिव सोशियोमेट्रिक क्राइटेरिया होता है वो रिजेक्शन को, रिपल्सन को डिस्कवर करता है। इसको आप हिंदी में देख सकते हैं, समाजमिति मानदंड सकारात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, सकारात्मक या धनात्मक, यह मानदंड सकारात्मक परिणामों को प्रकट करता है। जैसे क्या आप कक्षा चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, तो यह स्वीकृति खोज करता है, यह भाग लेने की बात आती है, यानी स्वीकृति को खोजता है। अब ऋणात्मक सोशियोमेट्रिक या समाजमितिक मानदंड की बात करते हैं, यह मानदंड नकारात्मक परिणामों को प्रकट करता है, जैसे उस छात्र का नाम बताएं या नाम दें जिसके साथ आप बैठना नहीं चाहते हैं। और आपको बता दूं मैं, समाजमिति मानदंड जो ऋणात्मक होता है वह अस्वीकृति को या रिजेक्शन को या रिपल्सन को खोजता है। अब सोशियोमेट्रिक मेथड का प्रोसीजर क्या होता है, उसकी विधि क्या होती है, नाउ लेट अस सी द सिलेक्टेड सोशियोमेट्रिक क्राइटेरियन, यानी कि आपने कोई कथन या कोई स्टेटमेंट या कोई प्रश्न आपने सेलेक्ट कर लिया है, इज गिवन टू रिस्पोंडेंट, एक रिस्पोंडेंट को या ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट्स को हम देते हैं, एंड हर ऑर इज चॉइसेस आर आस्क्ड बेस्ड ऑन द गिवन क्राइटेरिया, और उस दिए हुए क्राइटेरियन पर हम उस व्यक्ति की या उस बच्चे की चॉइसेस पूछते हैं, फिर उन चॉइसेस को हम नोट डाउन करते हैं। सिमिलरली हम पूरे समूह की उसी क्राइटेरियन के आधार पर चॉइसेस को हम नोट करते हैं, और उनको फिर हम फाइनली जो हमारे पास रिस्पॉन्स आते हैं, दैट रिस्पॉन्सेज आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डायग्राम विच इज नोन एज सोशियोग्राम, यानी कि सोशियोमेट्रिक क्राइटेरियन के आधार पर जो विद्यार्थी या समूह के कुछ सदस्य जो अपने विकल्प बताते हैं, जो अपनी चॉइसेस बताते हैं, उनको हम एक डायग्राम पर विजुअली, उनको विजुअल ताकि हम एक बार एक नज़र में उनको समझ सकें, उस पर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डायग्राम बनकर आता है, बनकर उभर कर आता है, उसे हम सोशियोग्राम कहते हैं। अब आप इसको जरा हिंदी में देख लें, कार्यविधि क्या होती है, चयनित समाजमिति मानदंड उत्तरदाता को दिया जाता है और उसे दिए गए मानदंड के आधार पर उसके विकल्पों को पूछा जाता है। इसी प्रकार समूह के अन्य सदस्यों के विकल्प भी उसी मानदंड पर लिए जाते हैं। अंत में उनकी प्रतिक्रियाओं को एक आरेख द्वारा दर्शाया जाता है जिसे सोशियोग्राम कहा जाता है। अब हम सोशियोग्राम को थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं, होता क्या है ये। सोशियोग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आउटकम्स ऑफ सोशियोमेट्रिक मेथड, मैंने जैसे बताया सोशियोमेट्रिक मेथड के जो रिजल्ट्स होते हैं उनका एक रिप्रेजेंटेशन मात्र होता है सोशियोग्राम। इट इज अ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। द सोशियोग्राम इज एन एक्सलेंट टेक्निक ऑफ अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल रिलेशनशिप्स ऑफ ग्रुप मेंबर्स इन ए कर्सरी लुक। अब इसको हिंदी में जरा देखिए आप, समाजमिति सोशियोग्राम क्या होता है। सोशियोग्राम समाजमितिक विधि के परिणामों को दर्शाता है। यह समूह के सदस्यों के आपसी रिश्तों की एक उत्तम प्रकट प्रस्तुति होती है। ये उत्तम या प्रकट का मतलब विजुअल, कि हमें जो दिखाई दे, प्रस्तुति होती है। सोशियोग्राम समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को समझने की एक उत्तम या उत्कृष्ट तकनीक होती है। अब सोशियोग्राम दिखाई कैसा देता है, ये होता कैसा है, अब आप इसको अगली स्लाइड में देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने है सोशियोग्राम, ये कुछ समूह के सदस्य हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से हमने एक स्माइली के दौरान, स्माइली के माध्यम से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। हमने कुछ इसमें एरो लगाए हैं, कुछ एरोज एक तरफ डायरेक्ट करते हैं, कुछ एरोज आप देखिए दोनों तरफ डायरेक्ट करते हैं, कुछ डॉटेड एरोज हैं, कुछ एरोज थोड़े से मोटे हैं, कुछ एरोज कुछ पतले हैं, कुछ देखिए ये डॉटेड एरोज एक तरफ डायरेक्ट करता है लेकिन ये पतला है, ये डॉटेड एरोज दोनों किसी भी तरह डायरेक्ट नहीं करता है लेकिन ये मोटा है, तो इनको आप समझ सकते हैं ये एक सोशियोग्राम का उदाहरण है। ये देखिए, ये व्यक्ति इसे लाइक करता है, ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर जिस तरफ डायरेक्शन का है, ये इसे पसंद करता 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 है, और ये दोनों की गहरी दोस्ती आपस में, क्योंकि यहाँ का जो म्यूचुअल डायग्राम है, म्यूचुअल एरो है, ये थोड़ा मोटा है, यानी इन दोनों की काफ़ी गहरी दोस्ती है, लेकिन दोनों काफ़ी
डिसलाइक करते हैं, बुरी तरह से डिसलाइक करते हैं बजाय आप इनके, क्योंकि इनके बीच में जो डॉटेड लाइन है वो थोड़ी सी पतली है, ये मोटी है। तो आप देखेंगे इस प्रकार से कैसे ये सोशियोग्राम आपके सामने दिखाई देता है। अब एक चीज़ के अंदर और भी कुछ बहुत कुछ बताता है। ये व्यक्ति को देखिए, ये स्टार है क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइक इसको मिले हैं, सबसे ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को स्टार कहा जाता है। और दूसरी तरफ आप देखिए, ये वे व्यक्ति है जिस सबसे ज़्यादा लोग डिसलाइक कर रहे हैं, तीन व्यक्ति से डिसलाइक कर रहे हैं, यानी इसके साथ वो बैठना चाहते हैं या कोई भी कोई क्राइटेरिया उसके आधार पर इसे डिसलाइक कर रहे हैं। दिस मीन्स इसे हम आइसोलेटेड कहते हैं। तो इस प्रकार से हम पूरा जो सोशियोग्राम बना सकते हैं किसी समूह का, एक क्राइटेरिया देते हैं, सभी लोगों से विकल्प पूछते हैं, उसके आधार पर सोशियोग्राम बनाते हैं, और सोशियोग्राम के आधार पर फिर हम पूरे ग्रुप को हम रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, दोबारा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं, समूह के सदस्य हैं जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनको एक तरह बैठाएं, जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, यानी सब ग्रुप में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, और उसके जब हम उसके परिणाम देखते हैं तो उसके परिणाम काफ़ी अच्छे उभर कर आते हैं, यानी समूह के अंदर जो रिजल्ट्स आते हैं दे आर फार फार बेटर। दिस वॉज एग्जाम्पल ऑफ सोशियोग्राम। अब नाउ लेट अस सी सोशियोमेट्रिक मेथड्स के क्या क्या प्रयोग होते हैं, क्या क्या यूजेज होते हैं। सबसे पहले सबसे मोटा काम इसका है फॉर रिसर्च इन सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज, फॉर स्टडी डायग्नोस एंड प्रडिक्शन ऑफ डायनेमिक्स ऑफ ग्रुप एंड सोशल इंट्रैक्शन। इट यूज टू डिटेक्ट पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे मैंने बताया कि किस तरह का रिलेशनशिप होता है उसको डिटेक्ट करने का काम आता है। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर्स एंड सब रीजन्स ऑफ अ ग्रुप, यानी ग्रुप की संरचना कैसी होती है और उसका कैसे कैसे उसके ग्रुप बनाए जा सकते हैं, ग्रुप के अंदर भी ग्रुप बनाए जा सकते हैं, इसके लिए काम आता है सोशियोमेट्रिक मेथड। इट हेल्प्स इन इंप्रूव द म्यूचुअल रिलेशनशिप, एक दूसरे के आपस पर संबंधों को भी इंप्रूव करने में काम आता है अमंग स्टूडेंट ऑफ ए क्लासरूम, एक विद्यार्थी क्लासरूम में। तो आइडेंटिफाई एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इन ए ग्रुप, यानी एक व्यक्ति का एग्जिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए भी काम आता है। टू स्टडी द डिग्री ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी, यानी ग्रुप की जो पहचान होती है उसकी कितनी गहराई से उसकी पहचान है उसके लिए काम आता है। यूज इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, डिफेंस सर्विसेज, प्रोफेशनल एंड ऑल द इंस्टीट्यूशन वे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व। नाउ लेट अस डिफाइन इट इन इंग्लिश, हिंदी लेट अस सी, इसको हिंदी में देखते हैं। समाज मिति विधि के उपयोग, ये समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों में शोध के लिए काम आता है सोशियोमेट्रिक मेथड। समूह और सामाजिक विचार विमर्श की गतिशीलता के अध्ययन, निदान और पूर्व कथन के लिए काम आता है, जैसा कि अल्बानी और लेगुरा ने बताया 2018 में। समूह में संबंधों के सकारात्मक या नकारात्मक पैटर्न का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समूह की संरचना और उपखंडों को निर्धारित करने के लिए समाजमिति विधि का उपयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं, कक्षा में छात्रों में आपसी संबंधों में सुधार करने के लिए इसका उपयोग होता है। समूह में किसी व्यक्ति के अस्तित्व की पहचान करने के लिए इसका उपयोग होता है। समूह पहचान यानी संपूर्ण समूह के पहचान के परिमाण के अध्ययन के लिए करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और शैक्षिक संस्थानों, रक्षा सेवाओं, पेशेवर और अन्य सभी उन संस्थानों में उपयोग किया जाता है जहाँ व्यक्तियों के समूह शामिल होते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हमने देखा सोशियोमेट्रिक मेथड टू, उसकी हमने किस तरह से हमने पहले पढ़ा था उसको हमने देखा, सोशियोमेट्रिक मेथड होता क्या है वो हमने देखा, क्या उसका प्रोसीजर होता है वो हमने स्टडी किया, सोशियोमेट्रिक क्राइटेरिया क्या होता है, सोशियोग्राम क्या होता है और उसके क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। इसमें मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ आपके सामने, रक्षा सेवाओं में कैसे उपयोग होता है। तो डिफेंस सर्विस में जो लोग होते हैं वो अपने घर को छोड़कर दूर दूर सर्विस करते हैं, वहाँ पर उनके साथ जो साथी होते हैं उनके साथ उनका ये सोशियोमेट्रिक मेथड से देखा जाता है कि कौन लोग एक जैसे एक दूसरे को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, और एक जैसे समूह लोगों को एक जैसे रेजिमेंट्स में रखा जाता है, जिसके माध्यम से वो उनका परिणाम जो होते हैं बहुत अच्छे आते हैं और रिजल्ट्स भी बेटर आते हैं। और ये था डियर फ्रेंड सोशियोमेट्रिक मेथड। नाउ फ्रेंड थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। आपको कोई डाउट, कोई शंका, कोई पर ऑब्जेक्शन हो तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर varmasujit@yahoo.com पर मेल कर सकते हैं, मुझे आपकी मेल का इंतजार रहेगा। एक बार फिर से धन्यवाद।